आज का तीन सवाल आपसे है और जवाब भी आप ही सोचिए, हम भी सोच के आपको बता रहे हैं। तो पहला क्या है कि आज का सवाल है, आज 21 तारीख है, जुलाई महीना है और 2023 का साल है। तो आज का पहला सवाल मेरा यह है कि क्या है पहला सवाल, कौन से मंथ में बिजनेस जीरो हो जाता है, कौन सा मंथ में बिजनेस जीरो हो जाता है, चाहे मैन्युफैक्चरर हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, सबके लिए कौन सा महीना जो है आपको जीरो पॉइंट पर लाके खड़ा कर देता है। तो होता है कि आपको श्रावण मास और भादो मास, मतलब जुलाई और अगस्त। देखिए जुलाई और अगस्त जो होता है, रेनफॉल होने से, हेवी रेनफॉल होने से, जैसे बॉम्बे, दिल्ली और बड़े बड़े शहर जो है, बिहार और असम, मतलब मैक्सिमम जो सिटी है, मार्केट है, जहाँ पे बिजनेस प्लेस है, वो पूरी तरह से ग्रस्त हो जाता है फ्लड आने से। और इसका इफेक्ट जो बोले तो आपको जुलाई और अगस्त महीने में देखने को मिलते हैं। अगर ये हमारा सवाल जवाब सही होगा तो इसको जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरा सवाल ये है, कौन से महीने में गरीब तबाह हो जाता है। अब दूसरा सवाल ये है कि देखिए जवाब हम दे रहे हैं, अगर इसमें कुछ त्रुटियां होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर हम ये मेरा जवाब सही है तो आप जो है इसको जरूर आपका कुछ ना कुछ लिखिएगा। तो कौन से महीने में गरीब लोग तबाह हो जाते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा मेरा जो एक्सपीरियंस है, गरीब लोग सबसे ज्यादा तबाह कब होते हैं, यही महीना जो होता है जो आपका रनिंग में है, श्रावण मास और भादो मास। भादो में तो लोग, आप अगर खेत शहर में हो तो आपको समझाना बहुत मुश्किल, अगर गांव में हो तो मैं समझ जा सकता हूँ कि भादो मास में कंटिन्यूअस बारिश हो रही है, तो लोगों को रोटियां सोटियां सेकने के लिए, खाना बनाने के लिए भीगी हुई लकड़ी मिलती है, और गाय का गोबर या भैंस का गोबर का जो सुखा के बना तो भी गीली हो जाती है, तो उनको घर में कुछ खाने को भी रहेगा तो पकाने को बहुत तकलीफ होती है। पहले गैस सिलेंडर नहीं रहता, तो आज भी गाँव में गैस सिलेंडर बहुत कम लोगों के पास है। तो जो गरीब लोग होते हैं इस महीने में बहुत तबाह हो जाते हैं। उनको देखिए रोज डेली पर काम करने वाले, सब्जी बेचने वाले, ठेलिया पर काम करने वाले, पर डे पर काम करने वाले, चारों तरफ लभा लभ बारिश ही बारिश होती है, तो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और उनके घर में उतने स्टॉक नहीं रहते। जैसे अमीर तो है, उनके पास स्टॉक है 6 महीने का, 2 महीने का। तो ऐसे मौसम में लोग, गरीब लोग बहुत तबाह हो जाते हैं बारिश के मौसम में। और जैसे कि उनके पास भीगा कपड़ा भीग गया मगर सुखाने का कहीं प्लेस नहीं रहता है, और उनके पास उतने कपड़े भी नहीं रहते हैं कि निकाल के डेली चेंज कर सके। तो ये जो 2 महीना होता है गरीब लोगों के लिए बहुत ही तबाही का महीना होता है। नेक्स्ट क्या है, कौन से महीने में महंगाई बढ़ जाती है, और कौन से महीने में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। तीसरा सवाल हमारा ये है, अगर ये आपका हमारा कहीं जवाब गलत हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो कौन से महीने में महंगाई 7वें आसमान में पहुंच जाती है, तो आपको ये बताना चाहूँगा यही महीना है जुलाई और अगस्त, श्रावण और भादो माह। टमाटर 200 रुपया किलो हो जाता है, प्याज 100 रुपया किलो हो जाता है, सारी सब्जियाँ जो है ना सेंचुरी को पार करने लगती है, सारी सब्जियाँ जो है सेंचुरी को पार करने 100 एबव होने लगती है। जैसे कोई भी सब्जी लेने के लिए जाओगे, भेंडा का हो, भिंडी हो, टमाटर हो, और श्रावण मास में तो आप पत्तीदार सब्जी खा ही नहीं सकते हो, श्रावण मास में आप दही खा नहीं सकते हो, श्रावण मास में नॉनवेज खा नहीं सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, ये सब्जी ही बचता है। जो सब्जियाँ भी ये 150-100 से कभी भी ऑलरेडी या कभी भी जाओगे, ये सब्जेक्ट रिजल्ट क्या होता है कि बारिश की वजह से खेत में जो सब्जियां रहती है वो आप कुछ जाके निकाल भी नहीं सकता है, और किसानों को सब्जियां भी सड़ जाती है, टमाटर भी बहुत कॉस्टली हो जाता है, प्याज भी कॉस्टली हो जाता है, अदरक भी कॉस्टली हो जाता है, 400-500 रुपया ऐसा किलो पहुंच जाता है। तो ये जो महीना है जो हम महंगाई का सबसे बड़ा महीना होता है, और इस महीने को अगर इंसान 2 महीने को झेल लेता है तो बाकी का उसका 10 महीना बहुत अच्छा जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।